रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा। महिला सुरक्षा की बात पर सरकार बन जाती है और कभी कभी इसी मुद्दे पर बिगड़ भी जाती है। इसी सुरक्षा को लेकर खबर जुड़ी है मध्य प्रदेश के सागर जिले की रैली से, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले एक महिला पटवारी से एक व्यक्ति ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि सरकारी दस्तावेज भी उसके फाड़ दिए। रैली के सहजपुरी नकला गाँव हल्का नंबर 37 की पटवारी वर्षा उपाध्याय रोज की तरह अपने हल्का वाले गांव पहुंची और बैठकर किसानों के भूमि संबंधी रिकॉर्ड का काम कर रही थी। तभी इसी गांव का एक व्यक्ति अरविंद पड़ारे आया, जिसने अपनी पुरानी जमीन की बंदी मांगी। तब पटवारी ने कहा कि ऑनलाइन बंदी आप निकलवा सकते हो। बस इतनी सी बात पर अरविंद ने महिला पटवारी के हाथ से खसरा बीमन सरकारी दस्तावेज छीने और उन्हें फाड़ दिए, साथ ही उनके साथ अभद्रता कर उन्हें अपशब्द भी कहे। तहसील रैली के अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 37 में पदस्थ पटवारी वर्षा उपाध्याय हैं, जिनके द्वारा आज ग्राम सहजपुरी कला में उनके हल्का के जो प्रभार हैं उनमें किसानों की समस्या का निराकरण किया जा रहा था। जो निराकरण करने के दौरान सहजपुरी कला का ही एक अरविंद पिता बजकिशोर पौडरिया आया, जिसने उन्हीं के पास रखे जो उनके वो खसरा की नकल थी और वो उनके द्वारा फाड़ दी गई और उनको धमकाया गया और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके तहत अरविंद पड़ेजा के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद अरविंद के खिलाफ शासकीय काल में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। कुछ नकचड़े लोग आपको हर गाँव में मिल जाएंगे, जिनसे गाँव वाले परेशान रहते हैं और शासकीय कर्मचारी भी हैरान रहते हैं। अब यह सागर है जहां महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान नहीं बल्कि अपमान मिलता है, गालियां मिलती हैं, उसकी एक नज़ीर यह थी। आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, रहली।